कविता कौशिक के निशाने पर आए अभिनव और रुबिना। इजाज के साथ मिलकर की प्लानिंग। घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारते ही कविता कौशिक बन गई है घर की कैप्टन। इजाज खान और कविता कौशिक है एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त। अब लगता है कि इनकी दुश्मन भी एक ही बनते नजर आ रही है। रुबिना और इजाज के घर के अंदर एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। वहीं घर के अंदर एंट्री करते ही रेड जोन के कंटेस्टेंट्स इजाज खान और पवित्र पुनिया के साथ कविता कौशिक, रुबिना दिलैक और अभिनव को लेकर गॉसिप करती नजर आई। रुबिना और अभिनव को लेकर कविता इजाज से कहती है कि रुबिना बहुत ही इनसिक्योर है और उनकी इनसिक्योरिटीज के चलते अभिनव घर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। कविता ने ये तक कहा कि वीकेंड के वार पर सलमान खान ने माहौल को शांत करने के लिए एक मजाक किया था, जिसके बाद से ही रुबिना पूरे घर में चिल्लाती नजर आई कि कैसे सलमान उनके पति को सामान बुला सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि अभिनव को सामान बुलाया था, उन्हें भी इस बारे में पता चल गया होगा रुबिना की वजह से। कविता ने कहा कि रुबिना ने बहुत कलेश किया है, उसे पैसे भी कमाने हैं, दिखाई भी देना है, लेकिन बिग बॉस के रूल्स के साथ एडजस्ट नहीं करना। जहाँ इजाज कहते हैं कि रुबिना के कंपटीशन बिग बॉस के साथ है, घर वालों के साथ नहीं। वो बड़े गर्व के साथ कहती है कि मैं 4 साल की बच्ची हूँ और आपको मुझे समझाना होगा। अभिनव और रुबिना के बाद कविता ने इजाज को लेकर भी की ढेर सारी बातें। कविता ने इजाज के साथ कहा कि जैसा तू है वैसा ही रहे, फाइट्स के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी क्यों कर रहा है। इजाज इस बात पर कहते हैं कि वो किसी और के जैसे नहीं है, वो जैसे है वैसे ही है और किसी की कॉपी नहीं कर रहे। कविता ने तो इजाज से ये तक कह दिया कि पवित्र और इजाज की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती है, जिस पर इजाज कहते हैं कि नागिन है ये डसती है। वहीं कविता कहती है कि तू नेवला बन जाना। लगता है कि घर के अंदर ग्रुप्स बनते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या कविता रुबिना और अभिनव के साथ घर के अंदर दोस्त बनती नजर आएंगी या फिर खड़ी कर देंगी इन दोनों के लिए ढेर सारी मुश्किलें। आपको क्या लगता है, क्या कविता रुबिना और अभिनव के साथ में एक अच्छा बॉन्डिंग शेयर करती नजर आएंगी घर के अंदर, तो हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।